मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इंटरनेट का मालिक कौन है, इंटरनेट को कौन चलाता है, इंटरनेट को कौन हैंडल करता है। जो कंपनी हमसे पैसे लेती है वो उस आगे वाली कंपनी को कितने रुपये देती है, और जो हम वेबसाइट चलाते हैं उनका डाटा कहाँ होता है स्टोर। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल का टेक, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो हम इसी बात पर बात करने वाले हैं कि आखिर इंटरनेट का मालिक कौन है, इंटरनेट को कौन हैंडल करता है, जो हम पैसे देते हैं आखिर वो कौन रखता है, और इसका मेन मालिक कौन है। दोस्तों अगर बात करते हैं इंटरनेट के मालिक की, तो इंटरनेट का मेन मालिक है TR1, उसके बाद आता है TR2, उसके बाद आता है TR3। दोस्तों TR1 में वो कंपनी है जिनका जो आपके सबसे पहले बैठाए थे समनेस केबल, यानी जो आपको चलाते हैं इंटरनेट, आपके फोन्स का जो पूरे वर्ष का हैंडल करते हैं इंटरनेट, वो केबल विषय है सबमरीन केबल समुद्र के नीचे। दोस्तों अगर आप सोचते होंगे अभी तक कि शायद चलता है सैटेलाइट से या किसी और सिग्नल से, दोस्तों इंटरनेट किसी भी चीज़ से नहीं चलता है दोस्तों, ये चलता है सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के, जिन्हें कहते हैं सबमरीन केबल, और पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए ये बिछाई गई है समुद्र के नीचे। जिन कंपनियों ने बिछाया है उन कंपनियों को कहते हैं TR1 कंपनी। इस कंपनी की मेन जो कंपनी है वो है Level 3 और NTN और NTT। दोस्तों ये तीन कंपनियाँ जो सबसे बड़ी कंपनियाँ थी इस केबल को बिछाने में इन्वेस्ट करने वाली, जो की थी लगाई थी पैसा, आज इसी कंपनी से इनको हो रहा है काफ़ी फायदा। दोस्तों शुरुआत में शायद लगा हो कि मेरा पैसा डूब जाएगा, लेकिन दोस्तों आज ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट चलाने वाली को हैंडल करने वाली कंपनी बन गई है दोस्तों। और जो आती है TR2, ये होती हैं आपकी कंट्री की कंपनियाँ, जैसे एयरटेल हो गया, वोडाफोन, जियो, BSNL, एयरसेल, टाटा डोकोमो, और भी कंपनियाँ ये आती हैं TR2 में। अगर बात करते हैं TR3 कंपनी में, ये होती हैं आपकी लोकल सिटी की, आपके शहर की जो चलाती हैं ब्रॉडबैंड्स, और ऐसी कंपनियाँ जैसे आपकी स्पेक्ट्रा हो गई, टाइकोनो हो गया, और हैप्पी हो गया, दोस्तों ये आती हैं TR3 कंपनी में। दोस्तों अगर बात करते हैं TR1 कंपनी, तो इस कंपनी ने पूरी दुनिया में एक साथ कनेक्ट करने की बिछाई थी इस कंपनी ने केबल्स, जो काम करती हैं समुद्र के अंदर, हर कंट्री, हर सिटी, हर उसको कनेक्ट करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का ही यूज होता है। दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि ये चलता है किसी नेटवर्क से, जो आपने देखा होगा टावर, दोस्तों ये टावर भी कनेक्ट होते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल से। दोस्तों मैं अगर आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, अगर आपके घर में लगा है ब्रॉडबैंड और अब उस ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करते हैं वाईफाई से अपना फ़ोन, तो दोस्तों अगर आपने ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लिया है लैंडलाइन से, और जो आपकी ब्रॉडबैंड है वो देती है सिग्नल्स आपके फ़ोन तक, और आपका फ़ोन चलता है इंटरनेट, बिल्कुल सेम प्रोसेस यही होती है, लेकिन ये प्रोसेस होती है काफ़ी बड़ी तादाद में, जो आपका ये काम करता है टावर। दोस्तों टावर काम करता है 5-10 किलोमीटर में, इसके लिए इसको चाहिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी। दोस्तों ये एनर्जी मिलती है जनरेटर और लाइट से, इसलिए इसका खर्च और मेंटेनेंस के लिए कंपनी लेती है आपसे पैसा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंटरनेट है पूरा इंटरनेट है बिल्कुल फ्री, लेकिन जो इसकी कॉस्ट आप जो देते हैं पर GB का पैसा, वो सिर्फ इस चीज़ के लिए खर्च होता है कि इस केबल्स की मेंटेनेंस में, कि केबल्स की लाइफ ज़्यादा दिन तक नहीं होती, ये हर 25 साल में हो जाती हैं ख़राब, इनको करना पड़ता है चेंज। और दोस्तों समुद्र में बिछाने की केबल्स वजह से अक्सर हो जाते हैं, कभी किसी शार्क ने काट दिया, किसी मछली में फंस के टूट गई, या किसी जहाज से फंस के टूट गई। दोस्तों ऐसे में इसमें केबल्स को मेंटेनेंस के लिए लगता है खर्च, जो कंपनी आपसे लेती है पैसे। दोस्तों अगर ऐसी, मान लीजिए अगर ऐसी प्रॉब्लम ना आए, तो आपका इंटरनेट पूरा हो जाएगा फ्री, आपको कोई पैसे नहीं देने होंगे इंटरनेट चलाने के लिए। लेकिन दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, और जो आपका टावर का खर्च होता है उसको चाहिए लाइट, अगर लाइट नहीं है तो उसके जनरेटर्स, उसका जो खर्च होता है कंपनी देती है आपकी इस वजह से पैसे, और जो उस कंपनी में करते हैं एम्प्लॉयमेंट्स काम, उनको देनी पड़ती है इनकम। दोस्तों इसीलिए आपसे लिया जाता है पैसा। अगर इस चीज़ के लिए अगर चीज़ें हटा दी जाएँ, तो आपका नेट बिल्कुल होता है फ्री। दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे कि आखिर रिलायंस जियो तक इंटरनेट क्यों देता है, दोस्तों मैं बता दूं, रिलायंस जियो है इसने खुद की ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स बिछा रखी हैं, सबमरीन केबल्स जिन्हें हम कहते हैं, वो समुद्र में खुद की केबल्स बिछा रखी हैं, जो कनेक्ट करती हैं 3 कंट्री को, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। दोस्तों अगर इस कंट्री में अगर आप कोई करते हैं वेबसाइट को सर्च, या करते हैं इस पर कोई काम, तो यानी अगर आप जियो के नेटवर्क से कर रहे हैं, तो उस जियो से कोई भी नहीं लगता है खर्च, ना इसको PR कंपनी को देना पड़ता है कोई पैसे।
जिसको अगर आप किसी इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो उसमें देने पड़ेंगे आपको पैसे, लेकिन जो आपको इसलिए इसके पैसे लेता है क्योंकि उसको उस कीमत को करनी पड़ती है मेंटेनेंस। दोस्तों टीआर कंपनी इसी बात के लिए हम लोग से लेती है पैसे, अगर इसलिए अगर पैसे ना दें तो आपका हमारा नेट बिल्कुल हो फ्री। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कैसे चलता है इंटरनेट। अब बात करते हैं सर्वर की और हमारा डाटा कहाँ होता है स्टोर। दोस्तों जो हमारा वेबसाइट से डाटा होता है स्टोर, ये होता है एक सर्वर स्टेशन पर, जो कैलिफोर्निया USA, अगर इंडिया में बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो इसका सर्वर है वो है बेंगलुरु में। दोस्तों सर्वर से क्या चलती हैं, वेबसाइट चलती हैं उन सर्वर से, और जो वेबसाइट से पड़ा होता है डाटा वो स्टोर होता है उन सर्वर्स में। दोस्तों आप अपने लिए भी छोटा सा सर्वर बना सकते हैं जो आपके दोस्तों ऐसा यूज भी होता है आपके ऑफिस में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, और भी जगह जहाँ लोग करते हैं डाटा स्टोर अपनी ज़रूरत के लिए, कि आप इतना डाटा होता है अगर आपको चाहिए तुरंत तो इसके लिए उसको बनाना पड़ता है एक सर्वर, जो अब लमसम तक जो आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ आपको किस टाइप से होते हैं, एक होता है डिब्बा, उसमें कई सारे लगे होते हैं केबल्स, या आपको स्कूल हॉस्पिटल्स और भी जगह देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ये एक छोटा होता है छोटा सर्वर, जहाँ पे आपको होता है डाटा कुछ स्टोरेज जो आपको तुरंत उसे मिल जाता है। जैसे आपने बनाई कोई फाइल्स और आप कि दूसरे एम्प्लॉयज़ को चाहिए वो फाइल्स, वो तुरंत उस फाइल्स को ले लेगा, यानी आपको नहीं जाना पड़ेगा उस सर्वर जो उसका बड़ा सर्वर है वेबसाइट का, आपको वहाँ तक आप छोटे सर्वर से उसको तुरंत स्पीड में दे सकते हैं डाटा, इसलिए होते हैं ये छोटे सर्वर्स। दोस्तों अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा डाटा कहाँ होता है स्टोर। दोस्तों हमारा सभी डाटा होता है एक सर्वर स्टेशन में स्टोर, जिस अगर आप बनाते हैं कोई वेबसाइट्स तो आपको एक सर्वर स्टेशन से लेनी पड़ती है वेबसाइट्स कि परमिशन उसके देने पड़ते हैं कुछ चार्जेस पर मंथ और पर ईयर में आप जैसे लेते हैं पैकेज। दोस्तों मुझे इससे भी उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा कहाँ डाटा होता है हमारा स्टोरेज। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें मेरे लिए सबसे पहले देखने के लिए।